बहुत सारे मुद्दे हैं इस देश के अंदर। देश बहुत बड़ा है, समस्याएं बहुत सारी हैं, बहुत सारे मुद्दे हैं। हमारा ये कहना है कि अभी क्या होता है, कोई भी मुद्दा होता है, किसी भी पार्टी में चार आदमी कमरे में बैठ जाते हैं और कहते हैं भाई उनकी पार्टी का ये स्टैंड है। कैसे डिसाइड करते हैं स्टैंड? ऐसे लगता है जैसे उनको सारी दुनिया का ज्ञान उन्हीं चार लोगों को है, उन्हीं पांच लोगों को है, सारा ज्ञान है उनको कि सारी समस्याओं के समाधान। हम ऐसा नहीं मानते। वो लोग अपना स्टैंड कैसे तय करते हैं? वो वोट बैंक के हिसाब से तय करते हैं कि अगर इस मुद्दे पे हम ये स्टैंड लेंगे तो ये हिंदू हमें वोट दे देंगे, मुसलमान हमें वोट दे देंगे, दलित हमें वोट दे देंगे, किसान हमें वोट। वो वोट बैंक की राजनीति खेलते हैं, देश की परवाह नहीं है इन लोगों को। हम उल्टा करेंगे, जितने दूसरे मुद्दे हैं हम अभी 30-35 मुद्दों के ऊपर अलग अलग कमेटी बना रहे हैं, इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, एजुकेशन, हेल्थ, इन सब चीज़ों पे हम कमेटी बना रहे हैं। ये कमेटियाँ एक सबसे पहला एक ड्राफ्ट तैयार करेंगी, एक मसौदा तैयार करेंगी, उसमें एक्सपर्ट्स होंगे, उस मसौदे को हम फिर अपनी पार्टी में नीचे गांव गांव तक ले जाके चर्चा करेंगे, कार्यकर्ताओं से चर्चा करेंगे, फिर देश के लोगों से चर्चा करेंगे, और जो एक आम सहमति बनेगी इन मुद्दों के ऊपर वो हमारा पार्टी का स्टैंड होगा, वो आम आदमी पार्टी का स्टैंड होगा, वो आपका स्टैंड होगा और आपका स्टैंड आम आदमी पार्टी का स्टैंड होगा। इस तरह से हम मुद्दों के ऊपर स्टैंड तय करेंगे। हम चार आदमी बैठ के कमरे के अंदर किसी भी मुद्दे पर स्टैंड तय करेंगे।